जो सीधा आता है ना वो नैना का, जो उल्टा आता है वो शाहरुख का। पूरा 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 पी जाओ बोला था। हाय अल्लाह दफा जाओ यहाँ ऐसे थोड़ा छपाओ। हाँ कि एक आग का जो है वो हो चुका है और एक का आग का रहता है शायद। तुम्हें खुशी हो रही है काम करते हुए? बोलो है। काजल लगा हुआ है, इसको साफ कर लेती हूँ मैं पहले। घर में मसला कश्मीर बना हुआ है कि अम्मी की वीडियो कौन अपलोड करेगा, क्योंकि वैसे करते शाहरुख अजमल, लेकिन शाहरुख अजमल इस टाइम नखरे दिखा रहा है। इस टाइम परेशान गुमसुम नादान बनी बैठी है। एक बात सुनो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। अच्छा बात सुनो मम्मी, एक हाथ में आप अंडा दिया तो यहाँ से मम्मी कह रही है की बहुत गर्म होगा, हाथ जल जाएगा। अपने काम करना, एक हाथ में आपने मेरा नाम रख लेना, एक हाथ में शाहरुख का, ठीक है? मेरा नाम सोच लो, एक हाथ में उसका नाम सोच लो। अब हमें तो नहीं पता ना। ऐसे नहीं, अम्मी के किसी भी हाथ पर हाथ लगाना, ठीक है? वो अम्मी बताएगी कि अम्मी ने किसका नाम रखा हुआ था, ठीक है? फिर वो हाँ अम्मी बताएगी। हाँ, क्योंकि अम्मी ने सोचा हुआ ना अपने मन में, ठीक है? अम्मी आप अपने मन में सोचा हुआ वही बताना, छोटी बोल मन में रखा हुआ। हाँ, जो सीधा आता है ना वो नैना का, जो उल्टा आता है वो शाहरुख का ना। मैंने ना अम्मी को बोला था कि पहले वीडियो बना के सच बता था कि बाद में हमारी लड़ाई ना हो, ठीक है? किसी एक पे हाथ लगाओ वैसे। ये शाहरुख का, ये शाहरुख। हाँ, जो सारा दिन है ना शाहरुख सुनेंगे मेरी बात, और शाहरुख तुम्हें सुननी पड़ेगी। अजमल मेरी अम्मी की वीडियो डालो पांच। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, हंस के दिखाओ। ओ अंडा नहीं तोड़ना, पागल हो गई हो मनु। शाहरुख अजमल जो है अम्मी की जो है वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन शाहरुख मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना। चैलेंज, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सही है, एक टांग ऊपर करो ना, शाहरुख ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी करो। एक टांग अभी एक हाथ से लिखो, ज्यादा मजा आएगा। पीछे से मन्नी भी था, शाहरुख टांग नीचे नहीं करनी, ऊपर करो टांग। चलो चलो ऊपर, अब चुप हो गए, हंसते हुए बहुत हंसते हुए, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। अब जो है लिखो लिखो जल्दी करो, अम्मी की वीडियो अपलोड करो। शायद तुम्हें खुशी हो रही है काम करते हुए बहुत ज्यादा। आज तो गाइस मैं घर में कोई भी काम नहीं करूंगी, ना अपने कंघी करूंगी, ना कुछ भी नहीं, ब्रश भी मैं शाहरुख अजमल से करवाऊंगी, सब कुछ शाहरुख अजमल करेगा। अम्मी यार बहुत मजा आएगा ना। अम्मी जब मेरी बारी आएगी मैं उंगली पे जाऊंगी, मैं बोलूंगी चाय बना के ला, बर्तन धो, सफाई कर, सो संभाल। कल अम्मी आपके पास आऊंगी, ठीक है? कल आप मैं आपको कल साथ, मेरे सारे कपड़े धो के इस्त्री करके हैंगर में लगा के ऊपर। क्या पागल नहीं बनाओ हमें? मुर्गी ने तो अंडा दिया, ये मुर्गे को क्या तकलीफ हो रही है? मेरे लिए जाके कलेजी का सालन लेकर आओ बाहर से, और साथ में दो चपातियाँ। तुम बहुत हंस रहे हो ना, ये रूम गंदा, और अपने जल्दी से रूम क्लीन कर दो। नींद तुम्हारे आ रही है कि नहीं? जल्दी करो, करो रूम जो है इसकी सफाई करो, उसके अलावा ये चादर भी मुझे चाहिए, चेंज करो जल्दी करो। तो पहले तुम्हें करूंगा, जल्दी करो। मैं तो तुम्हें चादर एंड में साफ करूंगी, सबसे पहले ये लेके जाओ बाहर, रख करो, फिर रखो वो जो तो सब कचरा पड़ा, टेबल बिल्कुल साफ चाहिए, मुझे गंदी टेबल नहीं चाहिए। कौन है ये, कहां से आ गई है इस टाइम? ओ आप कैसी हो, ठीक हो? कह रहे थे लैन, मतलब मुझे ना ये मुझे ऐसे देखते रहते, पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया हुआ है। उसने इसको पकड़ा हुआ है, कैसे सोई नहीं दोनों? ये मुझे प्लेट में खाना डाल के दो जल्दी से, सही है ना मम्मी? जल्दी करो, जल्दी करो। कह रही हो मम्मी कुछ नहीं होगा, मम्मी मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगा। ऑयल है, मुझे ऑयल निकाल के दो, जाओ जल्दी करो, ऑयल निकाल के और एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। बहुत मजा आ रहा है मुझे ये चेंज करने में, आई फील लाइक आई एम अ प्रिंसेस। थैंक यू सो मच, आप कुछ ऑयल का एक गिलास पानी तो दे दो। क्या हुआ आपको? आज मेरा दिन है गाइस, थैंक यू सो मच। अभी ये तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ डैशेस करने, और क्योंकि मैं थक गई हूँ, मेरे बाल कम करो।
बिल्कुल ठीक थी। जैसे मैं काम पर जाने लगी हूँ ना, मुझे इतनी तेज एलर्जी हुई है, मैं क्या बताऊँ मेरी ऐसी कसम से। पता नहीं मैं कैसे करूँगी लैशेस के, जो है मैं लैशेस करने लगी हूँ अभी। ये क्वेश्चन की इस तरीके से लैशेज है, आपको कवर बिफोर आफ्टर लुक भी दिखाऊंगी कि एक आँख का जो है वो हो चुका है और एक का आँख का रहता है, दूसरी आँख का होने के बारे में दिखाऊंगी। जो है वो लैशेस डन हो चुके हैं, देख कितनी प्यारी लग रही है, सबको बहुत पसंद आई है ना। हाँ, बहुत प्यारी लैशेस लगी है, देखो ये भी कल लगी थी। हाँ लगी। अनाया तो वैसे ही खुश रहती, सो कुछ भी कर दो। और ये जो है ये इनकी भी लैशेस लगी है, तो ये बहुत प्यारी लगी। और अनाया का दो दिन के बाद आप लोग को जो है इंटरव्यू लेंगे और आपको बताएंगे इनके बारे में, अनाया कौन है, अनाया की लाइफ क्या है, सब कुछ के बारे में, है ना अनाया जी। कमिंग जोन, कमिंग लाइव शो। हाँ, के बाद मैं घर आ चुकी हूँ वापस, और जो है मेरी मम्मी लगा रही है दम के। मैं अभी बिरयानी को दम लगाने लगी, मैंने बनाई है वो कौन सी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। मैं करने गई हुई थी और फिर इसको जो है काफी ज्यादा टाइम मिल गया। सही है, इस बार चैलेंज जो है हमारा जो है अभी फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज इसने मेरे साथ जो हाल किया ना, देखने वाला, बताऊं कौन सा। हाँ ये देखो, हाथ देखो मेरे, ये इधर ये देखो। ओहो, ये क्यों ऐसा किया इसने? इसकी ये इसको आज आखिरी इंजेक्शन लगे ना। हाँ। खतरनाक इंजेक्शन थे। हाँ। इसने बहुत काटा है और इसके हाथ से यहाँ से ना जब ड्रिप निकाली इतना खून निकला है। पासिंग गेस वाला चैलेंज है ना, देखो वो पीछे नमाज चादर खड़ी, इसको पहन के दिखा जल्दी करो। किसको? ये नमाज चादर को। कोई खूबसूरत औरत लगने वाली है ना आज, ये जल्दी करो, जल्दी करो, आराम आराम से नहीं करना, ठीक नहीं करो, जल्दी करो। क्या हो गया तुम्हारे, तुम्हारे टांगे खुलने वाले? ये ब्रश करते तो उसको लगता है इसके दांत छोटे हो रहे हैं, इसको लग रहा है कि इसने दुपट्टा बनाए तो इसको लग रहा है कि इसके वो टांगे खुलने वाले हैं। दुपट्टा सही से बनो, दुपट्टा सही से बनो। अभी सही गैस वाला मैं जो भी करूँ, आज मेरे साथ चलो, दोस्तों तुम्हें आज चलो। तो मेरे लिए गाना गजल से गाना गाओ मेरे लिए, जल्दी करो, मुझे गाना सुनना है तुमसे, जल्दी करो। हाँ, जरा धीरे धीरे चलो मोरे बालू माँ, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा धीरे धीरे चलो। क्या हो गया, गाओ। भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, अजमल ये लो। Now wear this and मुझे रैंप वॉक करके दिखाओ। शाहरुख अजमल के पास बहुत बड़े बड़े पाँव हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पाँव हैं। जूते पता नहीं किसके हैं, घर बड़े बड़े। वो करो कम। एक सेकेंड पास हो, भाग के जो भी कहूंगी करना पड़ेगा, सही है। नहीं शॉपिंग तो नहीं, इसके लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ शाहरुख। खाएगा क्या तुम्हें करना पड़ेगा। वो आ चुकी है इसलिए खा लो जल्दी से, पूरी खानी है। खाओ, थोड़ा चबाओ ऐसे, थोड़ा चबाओ। हाँ सही है, फेंक दो। मिर्ची लगी बनना चाहिए, करना इतना अच्छा, लोग का साउंड बजा रहे हैं, इतना पसंद आ रहा है। इसके ऊपर डांस करके जल्दी से, शाहरुख मार नहीं करना, जल्दी जल्दी करो करो करो, कोई बात नहीं, करो करो। क्या है, यूं कर रहा है, जो मुझे आती है वही करूंगा। तो तुम्हें यही आती है? तो भाई भी बहुत अच्छा से वो बसुरी भी दे रहे।
ड्रैकोला बैठे होते हैं, नाम नहीं बोला था, ये दफा जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ पहली फुर्सत में यहाँ दफा आ जाओ निकल। तो गाइस वहां से होकर हम लोग वापस घर आ गए थे, लोग अपने घर छोड़े थे। यहाँ पर जो है मना अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर चुकी है। आप लोगों को मैंने सोचा कि आप लोग इसके बारे में बता दो। इसका मैं ज्यादा व्लॉग में नहीं दिखा रही आजकल, मैंने सोचा मैं थोड़े दिन के लिए ना इसको व्लॉग में ज्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा थोड़ा लूंगी अभी नहीं। काफी सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बोला कि आप इसको खाना खिला दे तब इसकी वीडियो मत बनाया करो, और प्लस जब आप जब भी ज्यादा मतलब भी एक्टिव हो ना तब इसकी मतलब वीडियो मत बनाया करो। अजमल तुम जल्दी कर लो क्योंकि इसके बाद तुम्हारा एक और चैलेंज तैयार है। ये मजेदार सा लेमन कट किया है अपने लिए, नहीं शाहरुख अजमल, इसको अपने मुंह में लेना, इसका पूरा जूस पी लेना, और इसको फिर कोई नो विद नो एक्सप्रेशंस, थोड़ा खट्टा होगा, जूस पूरा पीना है विद नो एक्सप्रेशंस। चलो उतरी, हाँ पूरा 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 पी जाओ। क्या हुआ? खट्टा था। तो मीठा थोड़ा होता है ये। मैं क्यों करूँ, शाहरुख करेगा, शाहरुख आ जाओ। क्या हुआ? ब्रश करो मुझे। आज जो शाहरुख का जितना ही मैंने किया ना आज मैंने बहुत ज्यादा कर लिया। कल का व्लॉग जो का गाइस कल का बहुत मजे का होने, अभी एक रिक्वेस्ट पे मैंने फिर प्रॉमिस कर लिया कि कल जो है मैं जिसका चैलेंज करूँ उसमें वो होगा कि सारा दिन मैंने कल अपने शादी वाले कपड़े पहनने, और अपना वो दुपट्टा होगा मेरा, और मैं नेल लिट भी जाऊंगी, मैं शॉपिंग करने भी जाऊंगी, शॉपिंग में कुछ लेने नहीं जाऊंगी, चूड़ियां खरीद लेंगे, और उसके अलावा जो है पार्क जाऊंगी, सीवियो जाऊंगी, सीवियो तो नहीं जाऊंगी, सीवियो में बहुत अजाब हो जाएगा, पार्क चली जाऊंगी, बाहर दुकान पर चीज लेने जाऊंगी, घर में जाऊंगी, घर में तो ऐसे ही घूमूंगी सारा दिन, तो फॉर 12 आवर्स, लेकिन 24 आवर्स नहीं हो सकेगा क्योंकि मुझे मैं बहुत सारी देर नहीं पहन पाऊंगी, तो फॉर 12 आवर्स में जरूर वो करूंगी कल सुबह से लेकर रात तक, रात 12 बजे तक। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना। मुझे आप लोग को अपने बारे में एक बात बतानी थी कि मेरी आवाज माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि सब ने मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया है, जो मैंने कल वो एक लाइव की जिसकी वजह से मुझे वो लाइव जो है डिलीट करनी पड़ गई। कह रही थी ना, हेलो अंकल नो मस्ती, चलो काम की बात पे आते हैं, अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने, अब पूरा गाना नहीं गाती क्योंकि अगर मैं ये गाऊंगी तो फिर मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। उनको ये लगता है कि ये हनी सिंह गा रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि ये मेरी आवाज है, क्या मेरी आवाज मर्दाना है गाइस? तो डू लेट मी नो, और मैं मिलूं कल बहुत मजेदार से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ आप लोग बताएगा कि आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो कल वाले व्लॉग के लिए।